हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें कि आधार कार्ड से जुड़ने जा रहा है पहचान पत्र और मोदी सरकार ने दी मंजूरी। हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें कि आधार कार्ड से जुड़ने जा रहा है आपको वोटर आई डी कार्ड, कानून में बदलाव करेगी मोदी सरकार। हाँ जी दोस्तों, देखिए ये खबर निकल कर आ रही है 19 फरवरी 2020 10:08 पर। हाँ जी दोस्तों, चलिए खबर की तरफ चलते हैं। खबर पर जाने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल कलर का बटन दबाकर दोस्तों, कानून मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग ने मतदाता बनने के लिए क्वालिफिकेशन के लिए उम्र संबंधी प्रावधानों, पेड न्यूज़ और चुनावी हलफनामे में गलत सूचना देने के अपराध बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय में गलत हलफनामा देकर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की संस्था समाप्त करने का भी प्रस्ताव दिया। तो दोस्तों, खबर की तरफ चलते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड जल्दी अब आधार कार्ड से जुड़ सकता है। चुनाव आयोग के प्रस्ताव, मोदी सरकार इसके लिए कानून में बदलाव कर सकती है। चुनाव आयोग ने हाल ही में कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर वोटर आईडी कार्ड से आधार को जोड़ने के लिए जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों में संशोधन का अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय ने आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हाँ जी दोस्तों, प्रस्ताव को मंजूरी देती है कि सभी आधार कार्डों का पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। और आधार कार्ड को वोटर से क्यों जोड़ना चाहता है आयोग? दोस्तों, आपके मन में ये सवाल होगी, आधार कार्ड से क्यों जोड़ना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल चुनाव आयोग की दलील है कि एक ही मतदाता एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड बनवाने की समस्या के समाधान के लिए आधार से जोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। कानून मंत्रालय ने आयोग की दलील से सहमति जताती हुई वोटर आधार के डाटा को विभिन्न स्तरों पर संरक्षित करने का अनिवार्य पालन कर सुनिश्चित करने को कहा है। नए मतदाता बनने के लिए क्वालिफिकेशन पर भी हुई बात। हाँ जी दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है या फिर आपका पहचान पत्र नहीं है, उसके लिए क्या? तो उसको बता दें कि कानून मंत्रालय के साथ चुनाव बैठक में आयोग के मतदाता बनने की क्वालिफिकेशन के लिए उम्र संबंधी प्रावधानों, पेड न्यूज़ और चुनावी हलफनामे में गलत सूचना देने के अपराध बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। मतदाता बनने के लिए क्वालिफिकेशन के लिए उम्र संबंधी प्रावधानों की मौजूद व्यवस्था में प्रत्येक साल 1 जनवरी 18 साल तक की आयु प्राप्त करने वाले मतदाता बनने अधिकार मिल जाता है। आयोग ने उम्र संबंधी क्वालिफिकेशन के लिए 1 जनवरी के अलावा साल में एक से अधिक तारीखें तय करने का सुझाव दिया है। और दोस्तों, गलत हलफनामा देकर उम्मीदवार की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव। हाँ जी दोस्तों, चुनाव में गलत हलफनामा पेश करने के बाद मौजूदा व्यवस्था में दोषी ठहराए जाने पर उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक कानून के तहत धोखाधड़ी का ही मामला दर्ज होता है। चुनाव आयोग मंत्रालय को गलत हलफनामा देकर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव दिया। तो दोस्तों, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके राशन का, आपका आधार कार्ड को आपके पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, इससे आपको सहूलत होगी। तो ये रही बड़ी खबर आज के लिए। ऐसी जानकारी के लिए चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।